अब आ जाओ एक बार फिर से ध्यान से। हमने क्या बोला कि ए अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनो, ए अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा। सबसे पहले देखो, ए को हमने ऑर्थोगोनल बोल दिया, तो जैसे ही ऑर्थोगोनल बोला तो यहां से हमें क्या पता चल गया, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बता रखा है मैंने कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो -1 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, I। तो अब तुम इसको देखो, ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो यहां से क्या लिखा है, AB is equal to I, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, A transpose into A, BA, ये भी I के इक्वल होगा। तो ये वाला जो चीज है ना, इसको इंप्लाई कर रहा है, बिकॉज यहां पे A into A transpose I है एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इसको इंप्लाई कर रहा है। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये खुद से लिखा गया, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना ये बात। उसके बाद मैंने क्या प्रूफ भी कर सकते हो, अभी प्रूफ भी किया है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई लिखा है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्री मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए ट्रांसपोज, ये हो गया ए इनवर्स इंटू आई, ये हो गया ए इनवर्स, ये बन गया आई, आई इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, हो गया ना। अब हमने क्या किया, फिर ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू ए, ये आई बन गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई होगी। देखो ये प्रूफ भी कर सकते हो, ये गिवन था, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये चीज़ निकाल लिया, प्रूफ कर लिया। अब सुनो, हमें क्या मिला, हमें मिला ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये आई के इक्वल मिला, ठीक है। ये तो ए का ही काम कर रहा है, ये जो ए ट्रांसपोज है ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का इनवर्स बी होगा, बी का काम क्या कर रहा है, ए ट्रांसपोज। ये तो ऑलरेडी मैंने अभी यहाँ पे प्रूव भी कर रखा है, देख लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स। दूसरा क्या होगा, ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये B का काम कर रहा है ना, B मैट्रिक्स का, A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ठीक है। A का इनवर्स A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज का इनवर्स A, तो फिर एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, ये अभी आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का तुम इनवर्स लेकर ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेकर इनवर्स लो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेकर इनवर्स लो या इनवर्स लेकर ट्रांसपोज लो, बात बराबर है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज लेकर इनवर्स लिया या इनवर्स का लेकर इनवर्स लेकर ट्रांसपोज लिया, ये इक्वल है। ये प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा तुम्हें, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं ये प्रूव भी करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या पता चला, फाइनली हमें ये पता चला कि इफ़ ए हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ए हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, तो ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट तो इसका जीरो होगा नहीं, ए हमारा क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अगर ये गिवन है तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा, और फिर हमें क्या पता चला, ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज है एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए है। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ए इनवर्स को अंदर कर दो, ट्रांसपोज को बाहर कर दो, ऐसे लिख सकते हो। यही प्रॉपर्टी यहाँ डिटेल से समझाया गया, देख लेना, इसको पढ़ लेना, यही जो बात मैंने अभी तुम्हें थोड़ा फास्टली बता दिया है, यही सेम चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, तुम जो हमारा ऑनलाइन क्लास होती है ना व्हाट्सएप पे, उस पर तुम पूछ लेना, ऐसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप सारे लॉजिक्स को समझ रहे हो तो कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ये बात। अब आ जाओ तुम फोर्थ प्रॉपर्टी पे, सॉरी